फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन, अब आप इसकी फिगर ज़रा गौर से देखिए मैंने कैसे बनाई है। बहुत बहुत आसान फिगर है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन के लिए है ये वाली फिगर। इसमें जो डाटा हमारे पास है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैंने फिगर नंबर वन लिखा है, जबकि वहाँ पे फिगर नंबर वन नहीं लिखा, उन्होंने चैप्टर वाइज लिखा होता है फिगर नंबर 2.56 ऐसा करके। लेकिन आपने फिगर नंबर वो देनी जो आपकी फिगर आपने जितने अब तक बनाई है पेपर में। ये देखिए फिगर सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन की ये वाली बनानी है, जिसको हम कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। मजीद इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे में। ये देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, जो यहाँ से तकरीबन तकरीबन सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ तक एक्सप्रेशन ए जो मैंने वहाँ से लाइन लगाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। द मोशन बॉडी इज डिस्क्राइब बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर नंबर वन बाय लाइन ए बी। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सलोरेशन ए। मैं इसलिए रीडिंग साथ साथ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग कुछ ऐसी है जो लोगों को समझ नहीं आती, मीन्स बच्चों को स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, क्योंकि मैंने मेडिकल फील्ड में जॉब की है डॉक्टर्स के साथ, तो इसलिए राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा टीचिंग लाइन से हट गई है। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। अब ये कह रहे हैं कि एक बॉडी जो उलट करें जो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सलरेशन ए, एक्सलरेशन ए के साथ। और फिगर को समझने के लिए आपको यहाँ से समझना पड़ेगा, एक बॉडी आपकी है जो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और किसके साथ, एक्सलरेशन ए, एक्सलरेशन ए के साथ इस लाइन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब ये कह रहे हैं इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। अब ये कह रहे हैं अब उसकी जो वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल जब आगे तक पहुंच जाएगी लाइन क्रॉस कर जाएगी, कह रहे हैं फिर उसकी जो वेलोसिटी वो वी एफ बन जाएगी, मीन्स ये देखें यहाँ तक पहुँचने के बाद वी एफ हो जाएगी जो उसकी वेलोसिटी है आफ्टर टाइम टी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो बता रहे हैं अगर आप ऊपर तक आए तो आपका डिस्टेंस यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर नंबर वन बाय लाइन ए बी। अब इसमें बताया जा रहा है कि आपके पास जो बॉडी की जो मोशन है वो डिस्क्राइब कैसे होगा, मालूम कैसे होगा, बाय स्पीड टाइम ग्राफ, इस स्पीड टाइम ग्राफ जो हमने बनाया है इसके जरिए मालूम होगा। क्या लिखा हुआ है, इन फिगर नंबर सॉरी एज शोन इन फिगर नंबर वन, जैसे कि इस फिगर नंबर वन में दिखाया गया सारा, ये देखें। और कह रहे हैं बाय लाइन ए बी, लाइन ए बी जो है मेन इसमें उसके जरिए हमें पता चल रहा है कैसे, ये देखें जरा, ये ए और ये बी है, इस दो लाइन के बारे में बता रहे हैं जो कि आपका एक्सलरेशन ए बीच में मूव करे, स्ट्रेट लाइन है जो आपकी बॉडी मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक्सलरेशन ए के साथ। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सलरेशन ए। अब कह रहे हैं कि वही बात मैं कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेट लाइन आपकी ये ए बी जो है ये किसको शो कर रहा है, एक्सलरेशन ए को शो कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले आपने करना है पहले फिगर बनानी है, आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लगा लेनी है, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ इसमें और इसमें ज़्यादा फर्क ना हो, इस फिगर में थोड़ा सा फ़र्क हो गया लेकिन बाकी जो दो फिगर्स हैं उसमें फ़र्क नहीं हुआ। आपके पास ये पूरा जो बॉक्स है ये वाला, ये इसके बिल्कुल बराबर हो, अभी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा हो गया है लेकिन नेक्स्ट जो फिगर है फिगर नंबर 2 और 3, क्वेश्चंस 2 और 3 की, वो बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों बराबर हो। ठीक है, उसके बाद आपने करना ये यहाँ से डॉटेड लाइन आपने स्ट्रेट लगानी है यहाँ से प्रॉपर, ये टी वाला बॉक्स ये बॉक्स प्रॉपर हो डॉटेड फॉर्म यहाँ पे। उसके बाद आपने लेट करना है यहाँ, सॉरी यहाँ पे आपने इसको लाइन स्ट्रेट
रेड से करनी कोशिश करें, रेड हो ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो। स्ट्रेट लाइन अपने स्लोप में बना लेनी, फिर ओ ए बी सी डी, उसके बाद आपने आगे एक्सलोरेशन लिख के कॉमर्स के अंदर ए लिखना है, स्मॉल ए, जो कि सिंपल है एक्सलोरेशन एक्सलोरेशन का। फिर वी आई इसके यहाँ लिखना है यहाँ पे, फिर वी एफ यहाँ पर, और टी सेंटर में लिख के एरो एक यहाँ एक यहाँ एरो, और जो कि आपके पास टाइम बन गया है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन ये लिखनी है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। बच्चों अब आपने मैथमेटिकली करना जो थर्ड पॉइंट है, आपने लिखना स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी इज शोन इन फिगर नंबर 1, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सप्रेशन ए ऑफ अ बॉडी। अब मैथमेटिकली मैंने आपको बताया, इसमें बताया जा रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो मोशन ऑफ अ बॉडी जो है उसका शो कर रहा है फिगर नंबर 1 में, जो मैंने पिछली फिगर में दिखाया है। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सलरेशन ए ऑफ अ बॉडी। अब स्लोप ऑफ लाइन जो ए बी है वो हमें एक्सलरेशन दे रहा है किसकी, बॉडी का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें स्लोप ऑफ लाइन, देखिए ए बी क्या हमें दे रहा, बॉडी का एक्सलरेशन ए, ठीक है। इसलिए हम जो है लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू ए। अब ए लिख हमने लिख दिया यहाँ पे, अब ए इज इक्वल टू बी सी, और ए सी कैसे आया, वो ऐसे आया है कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, देख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें हाइपोटेनियस इज इक्वल टू आपकी बेस जो है ना, आपकी ये नीचे वाली पंक्ति आ गया आपका, ये देखिए ए और ये सी, और ये परपेंडिकुलर बी सी, और हाइपोटेनियस ए बी, मतलब हाइपोटेनियस जो है वो इक्वल किसकी है, बी सी ओवर ए सी, ठीक है, बी सी फिर ओवर ए सी, ठीक है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी, इसलिए हमने ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी हमने लिख दिया। और ये लाजमी अपने बॉक्स ऐसे बनाकर साइड पे लिखना है, ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसकी जगह पे इसके आगे डायरेक्ट लिख दिया बी सी और ए सी, ठीक है। और ये भी लास्ट में लिखना, हाइपोस्टेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। अब ए इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी कहाँ से आया, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है बी सी जो है वो इक्वल किसके, बी डी माइनस सी डी के, और ए सी जो है इक्वल किसके हुआ, ओ डी के। अब बी सी और ए सी है इसलिए मैंने ओवर फॉर्म में लिख दिया है। ये आया कैसे ये मैं आपको बताता हूँ, जरा आप नोट कर लेंगे ताकि आपको पता हो कि जो मैं फिगर से दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। मैं एक बात आपको बता दूँ सबको, स्टूडेंट्स आपकी एक्सप्लेनेशन और ये मैथमेटिकली जो सारा करवा रहा हूँ, फिगर से ही आपको सारा कुछ मिलेगा। ये अगर आपने फिगर सही बनाई है, समझ के बनाई है, तो एक्सप्लेनेशन आपने फिगर्स को देख के लिखनी है, फिर ये मैथमेटिकली भी आपको फिगर से देख के सारा कुछ हो रहा है। फिगर आएगा तो सब कुछ आएगा, सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी सी कमजोर है, फिगर आएगी तो सब कुछ आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ फिगर से, ये पी सी की जगह बी डी माइनस सी डी कैसे है, और ए सी की जगह ओ डी कैसे आया। ओके स्टूडेंट्स अब ये देखो बी सी था ना हमारे पास, अब बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी क्यों आया, देखो मैंने कहा था दोनों ये पूरा बॉक्स और ये पूरा बॉक्स बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस फिगर में थोड़ा सा हो गया, लेकिन नेक्स्ट सेकंड और थर्ड जो फिगर है वो मैंने बराबर ही कोशिश की हो, लेकिन आपने पूरा कंप्लीट बराबर ही बॉक्स जितना, फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर का, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, ठीक है। अब बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी कैसे आया, बी डी माइनस क्या सी डी, ये सी डी। अब जाहिर है देखो अगर आपके पास एक लाइन कंप्लीट है उसे सेंटर से हाफ कर दोगे तो जितना ऊपर वाला पोर्शन होगा उतना ही नीचे वाला पोर्शन होगा, मींस
बी डी में से अगर आप इस सी डी को माइनस करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, बी सी, ठीक है। और हमारे पास लिखा था बी सी की जगह हमने क्या लिखा, बी डी माइनस सी डी, मतलब कि हम बी सी की जगह पे जो है, बी सी की जगह पे हम बी डी माइनस सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको माइनस करते हैं तो वापसी बी सी ही हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ए सी की जगह ओ डी कैसे आया। अब ये देखिए, ए सी जितना यहाँ पे डिस्टेंस है ए और सी के दरमियान, उतना ही नीचे ओ और डी के दरमियान है, मीन्स ए सी जो है वो ओ डी के इक्वल हो सकता है, इसलिए ए सी की जगह मैंने क्या लिखा, ओ डी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आता हूँ कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, सॉरी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी टी ओवर टी कैसे आया। अब यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि बी डी मीन्स कि बी डी इसकी जगह वी एफ है, इज इक्वल टू मीन्स कि इक्वल है इसके, अब सी डी इक्वल किसके, वी आई के, और डी इक्वल किसकी है, टी के, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज इनकी पुट कर दी है। अब ये यहाँ पे कैसे वैल्यूज आई, ये भी आपको फिगर से ही मालूम होगा, ये आप नोट करने साथ साथ पॉज करके वीडियो को, बी डी सी डी और ओ डी मैं आपको दिखाता हूँ। ये ले हम फिगर पे आ गए, बी डी देखिए बी और ये टी। अब बी डी की जगह वी एफ कैसे आया, अब ये देखिए बी और डी कंप्लीट लाइन किसके आ रहा है इक्वल, ये देखिए वी एफ के, टोटल कितनी है ये देखिए वी एफ, इसलिए बी डी की जगह हमने क्या लिखा था, वी एफ। अब मैं ये बात करने वाला हूँ कि सी डी, सी डी की जगह पे वी आई कैसे आया। अब ये देखें सी डी इसके पैरेलल किसके है, वी आई के, यहाँ पे बी डी पैरेलल किसके था, वी एफ के, और बी सी किसके हुआ, सॉरी सी डी किसके हुआ, वी आई के, इसलिए हमने वहाँ वी आई लिखा सी डी की जगह। और ओ डी की जगह टी कैसे आया, आप खुद देख सकते हैं सेंटर में ही टी आ गया, कि कंप्लीट जो उसका डिस्टेंस, वो आपके पास बीच में जो टाइम आ रहा है वो हमारे पास टाइम है टी, ओ डी, तो ये किसके होगा इक्वल, ये भी टी के, इसलिए ओ डी टी के इक्वल। तो क्या हमें मालूम हुआ यहाँ से फिगर से, बी डी किसके होगा इक्वल, वी एफ के, और सी डी किसके होगा इक्वल, वी आई के, और इसमें ओ डी किसके होगा इक्वल, टी के, टाइम के। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये बी डी सी डी ओ डी कैसे, यहाँ पे बी डी कैसे वी एफ के हुआ इक्वल, सी डी कैसे वी आई के हुआ इक्वल, और ओ डी कैसे हुआ इक्वल टी के। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि टी यहाँ पे ट्वाइट हो रहा है हमारे पास, टी यहाँ पे ट्वाइट हो रहा है, अब इसका मतलब जो यहाँ पे डिवाइड होता है वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये देखिए टी यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए जो डिवाइड हो रहा था वो नेक्स्ट स्टेप में ए के साथ मल्टीप्लाई हो गया जाके, और उसके बाद ए जब टी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया ए टी, फिर इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब वी एफ पॉजिटिव है, इसे हम यहीं पे रखेंगे, माइनस वी आई को वहां ले जाएंगे तो ये आ जाएगा वी आई मीन्स पॉजिटिव हो जाएगा, वी आई प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। उसके बाद ओ आर और लिख के हम बाद में इसकी सिर्फ डायरेक्शन बदल देंगे, वी एफ और यहाँ पे वी आई प्लस ए टी, इसकी डायरेक्शन बदल लेंगी, साइंस नहीं चेंज होंगे, क्यों, हमने ओ आर और लिख दिया, या तो या ऐसे या फिर ऐसे, ये देखिए वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी जो है वो प्रूफ हो गई है, और हमने यहाँ लिख दिया है हेंस, हेंस वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और हमने प्रूव ये कर दिया है, और इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊं ये पूरा पेज जो है, ये देखें फिर बता दो आपको, ये देखें ठीक है, ये आपकी ऐसे बनेगी कंप्लीट, और
इसके बाद इसके पीछे वाले पेज पे मैंने इसका मैथमेटिक के लिए किया है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक ही पेज पे सारा हो। देखिए जरा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा टॉपिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैं सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसकी मैं वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तकरीबन 15-16 मिनट की बन गई वीडियो के। तो मैं चाह नहीं रहा कि इसमें मज़ीद मैं और कोई ऐड करूँ वीडियो, तो आप नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, और कोशिश करें कि जो प्लेलिस्ट है जो मैंने बनाई है लॉन्ग्स के लिए क्लास 9 की, तो इसमें आप प्लेलिस्ट में देख लिया करें जाके, उसमें आपको लॉन्ग लाजमी मिलेगा क्लास 9 की फिजिक्स का लाजमी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई होप कि आपको समझ आई होगी लाजमी। खुदा हाफिज़।